दोस्तों, अगर आपको भी वायरलेस माइक लेना है तो आज हम करने वाले हैं भाई अनबॉक्सिंग और साथ में रिव्यू करने वाले हैं डिजिटेक की तरफ से आने वाला ये वायरलेस माइक। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इस वायरलेस माइक के अंदर आपको एक रिसीवर मिलता है, उसके साथ में दो ट्रांसमीटर यहाँ पर मिलते हैं। और क्या क्या कंटेंट होता है इस बॉक्स के अंदर वो देखने वाले, क्वालिटी कैसी है वो देखेंगे, क्या ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है कि आपको ये जो डिजिटेक का वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम है इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बॉक्स की। तो बॉक्स आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता है, उसी के साथ में यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको डिजिटेक की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, साथ में यहाँ पर जो है इसका रिसीवर और ट्रांसमीटर की फोटो आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर 2.5G वायरलेस कनेक्शन के साथ में ये आता है, उसके साथ में टाइप सी फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट ये करता है, उसमें यहाँ पर अल्ट्रा क्लियर साउंड यानी कि ये ऑप्शन मिलता है, उसके साथ में 360 साउंड कैप्चर है, मिक्सिंग साउंड कर सकते हैं, डिस्टेंस अप टू 30 मीटर यानी कि दोस्तों 30 मीटर का जो डिस्टेंस है वो इसके अंदर दिया गया है, यानी कि 30 मीटर तक आप कहीं पर भी जाकर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वॉइस एकदम क्लियर है, वो सब हम आपको दिखाएंगे। उसी के साथ मैं आपको बता दूं इसका जो एक मुझे बेस्ट फीचर लगा वो ये है कि यहाँ पर इसके अंदर आप ब्लूटूथ कनेक्ट करके अपने फ़ोन के अंदर, आपके पास कोई भी एक मोबाइल फ़ोन है इस तरीके का, उस फ़ोन के अंदर इससे ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप जब कोई साउंड को रिकॉर्ड कर रहे हैं यानी किसी की आवाज़ रिकॉर्ड कर रही है, उसके साथ साथ फ़ोन में जो म्यूज़िक चलाएंगे वो इसके अंदर बैकग्राउंड में यहाँ पर दोस्तों आने वाला। ये इस वाले माइक का मुझे बेस्ट फीचर लगा। और जो इसका अभी अमेज़न पे प्राइस है वो आपको बताने वाला हूँ क्या है, काफ़ी अच्छे प्राइस के अंदर। तो सबसे पहले इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर गाइस बॉक्स होता है कुछ इस तरीके का, इसके अंदर आपको एक छोटा बॉक्स यहाँ पर देखने को मिलता है कुछ ऐसा, ये एक ब्लैक बॉक्स है और ये भाई मुझे काफ़ी अच्छा लगा, यानी कि बॉक्स की क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी लगी मुझे। तो जब हम बॉक्स को यहाँ पर ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से आइटम्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऊपर आपको एक रिसीवर और दो ट्रांसमीटर आपको देखने को मिलेंगे, नीचे की तरफ काफ़ी सारी केबलें मिलती है। तो सबसे पहले हम केबल्स की बात करते हैं कि केबल्स हमें किस किस तरीके की दी जाती है। तो सबसे पहले यार बॉक्स के अंदर जो है यहाँ पर कुछ पेपर वर्क निकलते हैं जिसका कोई काम नहीं है, लेकिन काफ़ी काम भी होता है और कोई काम भी नहीं होता, एक ही बात है। उसी के साथ में यहाँ पर आपको एक छोटी सी ईयरफोन देखने को मिलती है, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की ये ईयरफोन है। ये आपको एक ईयरफोन मिलती है विदाउट माइक, जिससे कि आप सुन सकते हैं ट्रांसमीटर में लगा के कि साउंड वगैरह कैसा है, ठीक है, इसको साइड पर रखते हैं। उसके बाद आपको एक डाटा केबल मिलती है जो यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाती है टाइप ए टू टाइप सी, यहाँ पर दोस्तों आपको डबल डाटा केबल मिल जाती है क्योंकि टाइप ए है, उसके बाद में टाइप सी की दो डाटा केबल मिल जाती है, एक साथ दो चीज़ को चार्ज करते हैं, दो ट्रांसमीटर को चार्ज कर सकते हैं। उसी के साथ में फिर आपको एक मिलती है टाइप सी टू टाइप थ्री के डाटा केबल। और क्वालिटी की बात करूँ तो ओवरऑल प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक नॉर्मल क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ज़्यादा वो चीज़ नहीं कर सकते कि ज़्यादा हैवी क्वालिटी होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिलती है एक केबल टाइप सी टू, यहाँ पर 3.5 mm जैक की जो चार्जिंग तो सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन ये वाली जो केबल है वो कैमरे के लिए दी गई है। उसी के साथ में एक टाइप सी टू यहाँ पर दी गई है, जो दूसरी चार्जिंग है टाइप सी टू फ़ोन, तो ये वाली जो केबल है ये आपके रिसीवर में लगेगी या आपके फ़ोन के अंदर लग जाएगी, जिससे कि आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये तो रही केबल की बात। उसके बाद गाइस रुको, यहाँ पर आपको एक और यानी कि एक और मिल जाती है भाई ईयरफोन। अरे भाई दो दो ईयरफोन क्यों देखे, मुझे को तो कुछ समझ ही नहीं आया। देखो यहाँ पर ना इसके अंदर आपको दो दो ईयरफोन देखने को मिलती है, एक ईयरफोन और है, ठीक है, ये भी आपको सेम वही मिल जाएगी 3.5 mm जैक के साथ में, और ये आपको एक ईयरफोन और मिल जाती है और नॉर्मल क्वालिटी है जैसे दिख जाए, लेकिन क्वालिटी काफ़ी मुझे लगी आपके लिए बढ़िया रहने वाली है, काम वाम कर देगी आपका अच्छा सा। यहाँ पर दो आपको विंडशील्ड मिल जाती है दोनों आपके माइक के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी भाई जो इसके अंदर निकली थी। अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर माइक किस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो भाई आपको यहाँ पर एक रिसीवर मिल जाए कुछ इस तरीके से। तो रिसीवर फ्रंट पे कुछ ऐसा मिलता है, इंडिकेशन लाइट मिल जाती है आपको, जो कुछ चार्जिंग की एक यहाँ पर है, चार्जिंग के साथ में एक पेयरिंग की दिखा देता है, और माइक की है इको मोड इसके अंदर है। तो कुछ यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, तो कुछ इस तरीके से ये होने वाला है। उसी के साथ में गाइस टाइप सी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर 3.5 mm का एक जैक मिल जाता है, ऊपर के अंदर आपको V- और V+ यानी कि यहाँ पर मुझे लगता है वॉल्यूम माइनस प्लस का ये बटन है, नीचे की तरफ आपको यहाँ पर एक मिल जाता है
जो बटन है वो इसको ऑन करने का। तो एक बार रिसीवर को ऑन आपको हम करके यहाँ पर दिखा देते हैं कि किस तरीके से ये ऑन होता है। जैसे रिसीवर को ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके से ऑन हो जाता है और लाइट आपको दिखने लगती है। एक तो बैटरी की दिखेगी, ये पेयरिंग की है, ये वाली लाइट ब्लिंक करती रहेगी जब तक आपका रिसीवर में कोई रिकॉर्डर कनेक्ट नहीं होता। तो ये रिकॉर्डर है, मैं आपको रिकॉर्डर दिखा देता हूँ। तो रिकॉर्डर के अंदर भी सेम वही ट्रांसमीटर, यानी कि इसके अंदर भी सेम वही चीज़ मिलने वाली है आपकी, जो यहाँ पर एक बैटरी का आइकन है, ये पेयरिंग का है और ये सब चीज़ है सेम टू सेम। लेकिन ऊपर की तरफ आपको एक यहाँ पर मिलता है जो ईयरफोन का है और ये विंडशील्ड आपकी जो इसके अंदर लग जाएगी। एक मिनट मैं आपको लगा के दिखा दूँ किस तरीके से है। तो ये विंडशील्ड आपने लगाई, इसको घुमा दिया, ये विंडशील्ड आपकी लग गई इसके अंदर। लेकिन इसको हम निकाल देते हैं अभी। और यहाँ पर एक बटन है आपका इको का, उसके साइड में एक चार्जिंग पोर्ट है, नीचे की तरफ वही ऑन ऑफ का बटन है। इसको हम अगर ऑन करते हैं तो यहाँ पर गाइस सबसे अच्छी बात पता है आपको क्या है, जैसे ही हमने ऑन किया ऑटोमेटिक इसके अंदर जो है रिसीवर के अंदर हमारा जो माइक है वो कनेक्ट हो गया। अभी मैं इसको ऑफ करता हूँ, तो ऑफ करने के बाद देखो ये लाइट ब्लिंक करने लगे। इसका मतलब माइक के अंदर यानी कि इस रिकॉर्डर के अंदर कोई भी ट्रांसमीटर कनेक्ट नहीं है। मैं फिर से यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ इसको, ये इसके अंदर कनेक्ट हो चुका है। अब इसका साउंड क्वालिटी भी आपको दिखाएंगे। अब ये हमारा दूसरा जो है यहाँ पर रिकॉर्डर है, तो इसको भी ऑन करते हैं तो ये भी एकदम से जैसे ही ऑन करेंगे एकदम से इसके अंदर कनेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, जो यहाँ पर रिसीवर है रिसीवर को बंद करता हूँ, तो दोनों यहाँ पर ब्लिंक करते हुए नज़र आने वाले हैं। ये इसकी पहचान है कि ये कनेक्ट हुआ नहीं हुआ। और जैसे ही मैं यहाँ पर इसको ऑन करूँगा तो तीनों को तीनों एक साथ पेयर हो जाएंगे, पेयर करने की कोई टेंशन ही नहीं है। तो अब तक आवाज़ जो सुनने थे आप सुनने हैं जूम H1N माइक की, जो कि सभी के पास होता है। और अब हम इसकी आवाज़ एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि इसकी आवाज़ कैसी है, कैसी आती है। चलिए गाइस यहाँ पर चेंज हो चुका है, अब जो आवाज़ आप सुनने हैं वो सुनने हैं इस ट्रांसमीटर की मदद से। और अभी मैंने कोई भी नॉइस कैंसिलेशन इसके अंदर नहीं लगाया, कोई भी इको मोड इसके अंदर नहीं लगाया है। तो अभी ऐसी की ऐसी ये जो यहाँ पर चलता है, तो अब हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर कुछ इको मोड वगैरह लगा के देखते हैं कि किस तरीके से साउंड आता है, किस तरीके से नहीं। पहले आप देखो इसके अंदर नॉइज़ कितनी आती है कितनी नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आप एक बार सुनो। तो ये इसके अंदर नॉइस है जो बाहर से नॉइस को गेट कर रहा है। सो गाइस अब यहाँ पर हम चेक करते हैं नॉइस कैंसिलेशन वाला फीचर। तो नॉइस कैंसिलेशन वाले फीचर को एक्टिवेट करने के लिए ऊपर एक बटन दिया है इको का, बस उसको आपको ना एक बार प्रेस करना होता है। जैसे ही एक बार प्रेस करेंगे तो नॉइस कैंसिलेशन वाला फीचर ऑटोमेटिक यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। अभी आप जो आवाज सुन रहे हैं वो आपकी नॉइस कैंसिलेशन एक्टिवेट होने के बाद है। मैं एक बार चुप हो जाता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आपको किस तरीके का साउंड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये अब जो आवाज़ सुनी है आप नॉइस कैंसिलेशन एक्टिवेट होने के बाद की है। तो नॉइस कैसी है, इसकी जो नॉइस कैंसिलेशन का फीचर कैसा है वो कमेंट करके आप बताइए, मुझे तो बाद में ही पता चलेगा जब मैं इसको एक बार सुन लूंगा वो इसको। और इसके साथ में इसमें एक इको का फीचर दिया, इको का फीचर का मतलब जैसे ही हम इस वाले बटन को दबाते हैं इको वाले को दोबारा से प्रेस करके रखते हैं तो ये इको मोड ऑन हो जाता है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा इको का मतलब, यानी कि एक साउंड गूंजेगा, गूंजता हुआ साउंड आपको शायद सुनाई दे रहा हो, मुझे तो पता नहीं किस तरीके का साउंड आ रहा है, वो आप लोग ही देख सकते हैं। अब जैसे मैं इस इको मोड को बंद कर रहा हूँ तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पर प्रेस करना होगा। अभी जो नॉइस कैंसिलेशन वाला एक्टिवेट है, क्योंकि नॉइस कैंसिलेशन जब एक्टिवेट होगा तो यहाँ पर आपका जो है माइक पे एक ब्लू कलर का आइकन आ जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो यहाँ पर है एक जो माइक है वो यहाँ पर जो काम कर रहा है वो नॉइस कैंसिलेशन वाले फीचर के साथ काम कर रहा है। और मैं इसको फिर से दबा देता हूँ बटन को, तो नॉइस कैंसिलेशन वाला जो फीचर है वो डीएक्टिवेट हो चुका है और अभी जो आवाज़ सुनने वो नॉइस के साथ आपको आ रही है। बहुत ज़्यादा नॉइस शायद सुनाई दे रही है, मैं आपको फिर से चुप होकर दिखा देता हूँ। और अब दोस्तों इसके फिर से यहाँ पर प्रेस करते हैं, एक क्लिक के साथ आपकी नॉइस जो है बैकग्राउंड की बिल्कुल खत्म ये कर देता है। तो देखिए तो कैसा लगा यार, यहाँ पर जो मुझे समझ आया ये ओल और ये अपने प्राइस को काफ़ी जस्टिफाई करता है। ये ऑनलाइन जो प्राइस है इसकी 4,500 रुपये के आसपास है और ये मार्केट के अंदर जो मिलते हैं आपको 4,000 रुपये के आसपास मिल जाता, कहीं से भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ गाइस अगर बात करें इसके बैटरी की, तो बैटरी इसकी जो है जो कंपनी यहाँ पर क्लेम करती है वो 10 से 12 घंटे की क्लेम करती है। लेकिन मैं आपको बताऊँ मैंने माइक यूज़ किया है, इसकी जो बैटरी है लगभग लगभग यहाँ पर 6 से 8 घंटे आपके आराम से चल जाती है, 6 से 8
7 घंटे आप बिना चार्जिंग एक बार सिंगल चार्ज करके इसको यूज कर सकते हो और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन जैसे जैसे यूज करेंगे बैटरी घटती रहेगी, लेकिन अभी जब आप नया लेते हैं तो 1-1.5 साल तक आपका 8 घंटे तक बैटरी बैकअप दे देगा। तो ये काफी बेस्ट फीचर मुझे इस वाले माइक का लगा और इसके अंदर क्वालिटी तो है ही है ही, उसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करता और बहुत सस्ते प्राइस के अंदर मिलता है। क्योंकि इसी तरीके से अगर आप किसी और माइक के अंदर जाते हैं तो वो तकरीबन आपको 30-32 हज़ार का मिलता है और उसमें ये आपको 10 गुना कम कीमत में मिल रहा है और काफी बेस्ट क्वालिटी के साथ ही आपको देखने को मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।